वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आजकल हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी। मैंने ग्रोथ की थ्योरी बहुत सारी करा दिया हूँ, तो प्लीज़ पिछला वीडियो देख लेना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडम स्मिथ की थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी को समझाने से पहले मैं आपको प्रीवियस नॉलेज भी देना चाहूँगा, साथ के साथ एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। फ्रेंड, जैसे कि पता है कि एडम स्मिथ जो है एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने जो डेवलपमेंट की बात किया, तो डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, जिसमें से फ्रेंड फाइनली हम देखते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड चेंज होना चाहिए, यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए। तो ग्रोथ मेजरमेंट इज टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव मेथड, बट डेवलपमेंट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ मेथड। तो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंस को समझ चुके हैं फ्रेंड। तो अगर आपने डेवलपमेंट का मतलब समझ गए, तो इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में रन करती है ग्रोथ के साथ साथ, तो डेवलपमेंट ग्रोथ डायनेमिक साथ साथ चलते हैं। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव वे करेगा, लेकिन ग्रोथ में भी अप्स डाउन होगा। तो फ्रेंड, किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, उसके लिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थ्योरी बनाई कि किसी कंट्री में डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होगी, डेवलपमेंट फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो कि हम कह जाते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहली थ्योरी दिया, और इनका जो बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेस वेल्थ ऑफ नेशंस, में 1976 में इन्होंने थ्योरी दिया। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इस थ्योरी को समझने से पहले हम आपको इनको डीप नॉलेज देना चाहूँगा कि किसी कंट्री की सिचुएशन को समझाऊँगा, फिर मैं प्रूव करूँगा कि एडम स्मिथ जो थ्योरी बहुत पहले दी था, वो थ्योरी आज भी एप्लीकेबल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि किसी कंट्री के ग्रोथ के लिए उस कंट्री का बहुत सारी चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होती है, उस कंट्री के पर कैपिटल इनकम पे डिपेंड करती है। तो किसी भी अनडेवलप्ड कंट्री का लेवल स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम है, यानी कि वहाँ पर कैपिटल इनकम कम है। इसका मतलब वहाँ पर सेविंग कम है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम है, यानी कि वहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। और कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होने से एक मॉस पावर्टी पाई जाती है, वहाँ पर लो लेवल स्टैंडर्ड होता है, साथ साथ लेक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है, हैवी पॉपुलेशन होती है अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री में, और एग्रीकल्चर वहाँ पर बैकवर्डनेस होती है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है, इंडस्ट्रीज होती नहीं है, सर्विस सेक्टर होता नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम होती है, और अनएक्सप्लॉयटेड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो फ्रेंड, किसी भी कंट्री को अरे इन चीज़ों को इंक्रीज कर देंगे तो वही डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं, इन चीज़ों को दूर करने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सजेशन देते हैं, और जो सजेशन, जो रिकमेंडेशन थी, वही उनकी थ्योरी थी। तो किसी कंट्री में इन वेरिएबल को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हम एडम स्मिथ की थ्योरी पढ़ते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एडम स्मिथ का कंसेप्ट था, मेन फीचर क्या थे, तो मेन फीचर मैं आपको पहले बता देता चाहता हूँ, फिर बाद में वन बाई वन में एक्सप्लेनेशन करूँगा। चलिए, उन्होंने नेचुरल लॉ की बात की फ्रेंड्स, प्रोडक्शन फंक्शन की बात किया, डिवीजन ऑफ लेबर की बात किया, कैपिटल एकोमोडेशन की बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ एजेंट की बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ प्रोसेस कैसी होती है, लेजर्सफेयर पॉलिसी क्या थी, स्टेशनरी स्टेट कैसे आता है, और फिर बाद में हम उसका क्रिटिसिज्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इनके पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और इन्होंने नेचुरल लॉ की बात किया। तो नेचुरल लॉ होता क्या है, नेचुरल लॉ का मेन कंसेप्ट क्या है, जैसे हम लोग पढ़ते थे हिडन हैंड, तो आपको मैं समझाता हूँ पहले नेचुरल लॉ। देखिए, हिडन हैंड की बात करता फ्रेंड, हिडन हैंड का मतलब यहाँ पर होता है कि कोई ऐसी पावर है जो पूरी इकोनॉमी को रन कराती है, और हिडन हैंड का मतलब फ्री एंड इंडिपेंडेंट एक्शंस, मतलब देयर इज नो कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहाँ नहीं होता, जहाँ परफेक्ट कंपटीशन होती है। तो यानी कि हिडन हैंड का मतलब क्या हुआ, इनविजिबल हैंड का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट कंपटीशन हुआ, और परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट एब्सेंस हुआ। तो यानी कि गवर्नमेंट एब्सेंस है, हिडन हैंड है, तो लोग इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं अपना, इंडिपेंडेंट फ्री एक्शन का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली प्राइस को डिटरमाइन करती है, लेबर की सप्लाई लेबर की डिमांड से वेज रेट डिटरमाइन होता है, सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट से इंटरेस्ट रेट डिटरमिनेशन होता है, यानी कि पूरी फैक्टर मार्केट जो है वो डिटरमाइन होती है ऑटोमेटिकली,
मार्केट में डिमांड सप्लाई, क्योंकि स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज है और डिमांड अनलिमिटेड है, सप्लाई भी अनलिमिटेड है। तो कहने का मतलब है कि इसको कोई चराने वाला नहीं है, हिडन हैंड है। हिडन हैंड का मतलब वो कहना क्या चाहता है, वो कहना चाहता है भैया कि ऑल मार्केट वर्क डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, चाहे लेबर की सप्लाई हो चाहे डिमांड की सप्लाई हो। तो नेचुरल लॉ का मतलब यहाँ पर ये होता है प्राकृतिक नियम, इसका मतलब आप नेचुरल लॉ नेचर की अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली मार्केट एडजस्टमेंट हो रही है, तो यानी कि परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है। ठीक है, तो कहता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट ऑप्शंस है और इसी लेजर्सफेयर पॉलिसी है, फ्री ट्रेड है विदाउट एनी बैरियर है। तो नेचुरल लॉ का मतलब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला फंक्शन लेता है प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन में वो ये लेता है कि एडम स्मिथ ने रिकॉग्नाइज किया कि थ्री फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, और वो क्या लेता है फ्रेंड्स उस प्रोडक्शन फंक्शन में, सबसे पहले लेता है कि पहले आप समझें कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। कहता है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन होता है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, वाई किस पे डिपेंड है फ्रेंड, लेबर पे, कैपिटल पे और लैंड पे, ये तीन वेरिएबल लेते हैं। और वो कहता है कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग उसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसे वेजेस मिलेंगे, और इसी तरह से कैपिटल को भी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के कैपिटल के बराबर पेमेंट मिलेगा। तो यानी कि जो प्रोडक्शन है टोटल डिवाइड हो जाएगा लेबर और कैपिटल में और लैंड से रेंट में, कोई प्रोडक्शन नहीं बचेगा। फिर कहता है कि प्रोडक्शन फंक्शन ये एक बात करता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न की बात करता है। एक टाइम पहले कहता है कि पहले तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न टू स्केल पढ़ा होगा। तो एक टाइम के बाद कहता है कि प्रोपोर्शन फिक्स हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं एक हाईएस्ट लेवल आ जाता है, जैसे स्टेशनरी स्टेट की बात करता है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे फ्रेंड। ये कहता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न की बात करता है, लेकिन कहता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न भी रहता है। और ये कब होता है, दो चीज़ें आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, इकोनॉमिक स्केल, और पढ़ा होगा आपने। तो इकोनॉमिक स्केल क्या होता है कि दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, आपने पढ़ा था, यानी कि डिस इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स कहता है। तो आपने एक चीज़ और पढ़ा था कि ये LIC ऐसा होता है, तो ये डिक्रीजिंग कॉस्ट होता है और ये इंक्रीजिंग कॉस्ट होता है। जब डिक्रीजिंग कॉस्ट होता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, और जब इंक्रीजिंग कॉस्ट होता है तो डिक्रीजिंग रिटर्न होता है। क्लियर है, तो LIC जो यू शेप होता है, इस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन भी जब ये मिनिमम पॉइंट पर होती है, ठीक है, तो वहाँ पर TP हाई होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, यानी कि जब लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है वो स्टेशनरी स्टेट सिचुएशन आएगा, जो कि आगे हम आपको समझाएंगे। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन फंक्शन कई बातों पर डिपेंड करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी पे, एक लेबर पे, कैपिटल पे, ठीक है, और ये प्रोडक्शन फंक्शन है। और फिर प्रोडक्शन होने के बाद लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट रेट, और जो लैंड है उसको एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, इस तरह से पूरा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि मेन हम ग्रोथ कैसे करेंगे, तो कहता है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ही मेन ग्रोथ है। अब बोलता प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, इसके लिए वो सजेशन देता है, कहता है लेबर, लेबर है यानी कि स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी मोदी गवर्नमेंट, हमारी सरकार ये देखते हैं कि किस तरह से हम लेबर स्पेशलाइजेशन करें, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्किल अपनी कंट्री में स्किल क्रिएट कीजिए, इससे क्या होगा, इससे हमारी कंट्री का लेबर की स्पेशलाइजेशन होगी। तो लेबर स्पेशलाइजेशन का मतलब यह है कि उसकी लेबर स्पेशलाइजेशन होगा तो उसकी इंक्रीज रिटर्न क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज रिटर्न होगा तो लेबर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो लेबर की और डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, जब लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट में GDP बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा तो सेविंग रेट बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो अगेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से अगेन कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा। जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो मार्केट साइज क्या होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा, यानी कि इंटर डोमेस्टिक मार्केट नहीं इंटरनेशनल मार्केट भी हमारी एक्सटेंड होगी। अच्छा, इससे क्या होगा कि इंक्रीज करेगा ग्रोथ रेट, ग्रोथ इंक्रीज होगी, लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारा पीपल का इंक्रीज होगा, और फाइनली हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो फ्रेंड देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि स्पेशलाइजेशन का मतलब वो ये कहता है
कि जिस कंट्री में लेबर है वो लेबर वाली स्पेशलाइजेशन करे, और जिस कंट्री में कैपिटल है कैपिटल के गुड्स को स्पेशलाइजेशन करे, और इस तरह से स्पेशलाइजेशन करके वो टाइम को बचाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, इस तरह से सारे वेरिएबल चेंज हो जाएंगे और जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्यों होगा, मैंने आपको एक वन बाई वन इंटरलिंक करके बता दिया। तो स्पेशलाइजेशन का मेन कंसेप्ट ये था फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं कि अब प्रोसेस कैसे होती है, कैपिटल एक्युमुलेशन कैसे होगा। तो देखिए, आपको पता है कि किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उस कंट्री में कैपिटल नहीं है, मतलब उस कंट्री में डिफिशेंसी ऑफ कैपिटल है, लेक ऑफ कैपिटल है। हर कंट्री के पास लेक ऑफ कैपिटल है। रीज़न क्या है लेक ऑफ कैपिटल का, रीज़न है कि वहाँ पर बिजनेस सर्कल पावर्टी है, और जब बिजनेस सर्कल पावर्टी है तो उस कंट्री में ए कंट्री पुअर बिकॉज इज पुअर पीपल हैं, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी वहाँ पर क्या होती है, कम है। और जब प्रोडक्टिविटी लो है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी इन फ्यूचर में लो होगा, स्मॉल होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन स्मॉल होगा तो कैपिटल एक्युमुलेशन भी कम होगा। अब कहता है कि कैपिटल एक्युमुलेशन बढ़ेगा कैसे, तो कहता है कैपिटल एक्युमुलेशन बढ़ाने का तरीका ये है फ्रेंड, कि वो कहता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर करो। जब लेबर को डिवीज़न करेंगे, स्पेशलाइजेशन देंगे, तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, इससे क्या होगा, पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज होगा, होगा सेविंग इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, फिर आगे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज होंगे, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ होने से सेविंग अगेन बढ़ेगी और अगेन इंक्रीज होगा कैपिटल। इसे बोलते हैं कैपिटल एक्युमुलेशन। तो एडम स्मिथ ने कैसे रिलेट किया है कि किसी भी कंट्री को स्पेशलाइजेशन करने के बाद सेविंग तो बढ़ेगी, और जो सेविंग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कैपिटल एक्युमुलेशन होगा, उस कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करना ही प्रोसेस की बात करेगा। तो नेक्स्ट बात करता है फ्रेंड कि डेवलपमेंट प्रोसेस इन एक्युमुलेशन, कि किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है उसकी प्रोसेस कैसे चलती है, इसको समझना पड़ेगा आपको। वो कहता है कि अगर सेविंग बढ़ गई फ्रेंड्स, हम देखो समझाता हूँ, अगर आपकी सेविंग बढ़ गई तो मोर एक्युमुलेशन होगा, तो और ज़्यादा मार्केट में डिवीज़न ऑफ लेबर होगा, भाई हर तरह की इंडस्ट्री लग जाएगी, हर तरह की फर्म लग जाएगी, ठीक है, तो इससे प्रोडक्टिविटी और राइज होगी, ठीक है, तो लेबर की डिमांड भी इनकी जो होगी, लेबर और लेबर की लिविंग स्टैंडर्ड भी बेटर होगा, एजुकेशन बेटर होगा, हेल्थ बेटर होगा, तो पीपल्स की इनकम और बेटर होगी, कैपिटल एक्युमुलेशन और बेटर होगा, इससे क्या होगा कि और हायर लेवल पर डिग्री होगी, लेवल की डिमांड होगी, मार्केट और बढ़ेगा, और जैसे मार्केट फ्रेंड और बढ़ेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल क्या होगा, इंड्यूज इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, इससे टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होगी, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर अगेन होगा, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो संचयी रूप से कम्युलेटिव रूप से चलेगी, और एक टाइम आएगा कि हमारी कंट्री का जो जीडीपी है, जो ग्रोथ है पर कैपिटल इनकम है, वो डेवलपमेंट होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, वो कब होगी, जब हम डिवीज़न ऑफ लेबर करेंगे, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर करेंगे। तो फिर बोलता है फ्रेंड ये सिचुएशन चलेगी कब, जब हम फिर लेजर्स की बात करता है, कहता है कि चलो हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हो गया, तो उस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। वो कहता है लेजर फेल पॉलिसी को थोड़ा समझ लीजिए, किस ने लेजर फेल पॉलिसी की बात किया, वो कहता है कि पॉलिसी ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का कोई रोल्स ना हो सोसाइटी में, कोई इकोनॉमिक अफेयर्स इंडिविजुअल हो, सोसाइटी इंडिविजुअल वर्क करे, यानी कि कोई गवर्नमेंट नहीं है। फिर कहता है कि नो बैरियर ट्रेड में, एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड होगा, और ये एक्सचेंज रेट जो है आपने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें कहता है कि किसी कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस कंट्री के जो है लेबर की कॉस्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो वहाँ पर एक्सचेंज रेट रुपीज़ की बात नहीं करता है, गवर्नमेंट के ऑप्शंस की बात करता है। वो कहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल रहेगा तो हमारी कंट्री का जो बायोपी है वो बैलेंसेस रहेगा, लेकिन कहता है कि द ट्रेड इम्बैलेंसेस हो सकता है, डिफिसिट हो सकता है, और ट्रेड सरप्लस भी हो सकता है, तो किसी कंट्री का ट्रेड सरप्लस होगा, बैलेंसेस होगा, ये बहुत सारे बैरियर पर डिपेंड करता है। यहाँ हम कहते हैं कि लेजर्स फेयर पॉलिसी जो कि केन्स बोलता है, जो कि एडम स्मिथ कहता है कि किस तरह से लेजर्स पॉलिसी इम्प्रूव करेगी। देखिए
हमने पढ़ाया भी आपको कि जब मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा, देखिए एक एक पॉइंट देखिएगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या, एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, ओके। फिर एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। फिर जीडीपी आपका इंक्रीज हो रही है, इससे क्या होगा, पर कैपिटल अगेन इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स, सेविंग इंक्रीज होगी, कैपिटल कम्बिनेशन अगेन इंक्रीज होगा, यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, फिर नेशनल लिविंग स्टैंडर्ड्स और बढ़ेगा, और बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं लेजर्स फेयर पॉलिसी की वो फेवर में था, और वो कहता है कि किसी कंट्री के पास सब चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक कंट्री दूसरी कंट्री पर डिपेंड है। तो एडम स्मिथ ने कहा कि वेल्थ ऑफ नेशंस में कि कोई कंट्री अपनी सारी बेसिक रिक्वायर को फुलफिल नहीं कर पाएगी, तो उसे ना कुछ उसे बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और अपनी कंट्री का गुड्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट एब्सेंस की बात करता है, ट्रेड बैरियर की बात करता है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये पांचों पॉइंट समझाने के बाद मैं आपको मेन पॉइंट पे आता हूँ। अब वो कहता है स्टेशनरी स्टेट क्या होगी, वो कहता है कि अगर एक टाइम के बाद धीरे धीरे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, पूरा टीपी हाई हो जाता है, यहाँ पर स्टेशनरी स्टेट आ जाता है, एक सिचुएशन आती है जहाँ पर हमारा कंजप्शन हाईएस्ट हो जाता है, सेविंग रेट हाईएस्ट हो जाता है, ठीक है, सब कुछ पीक पॉइंट, जिसे हम गोल्डन रूल पढ़ के आए हैं ग्रोथ थ्योरी में, या रॉबिन्सन थ्योरी में आपने पढ़ा था, तो वही स्टेशनरी स्टेट की बात करता है, एक सिचुएशन की बात करता है जहाँ पर हम पीक पे आता है। लेकिन सिचुएशन आती क्यों है, इसके रीजन आपको बता देना चाहता हूँ। वो कहता है इस रीजन आने का रीजन वन बाय वन रीजन देख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी, कहता है स्टेशन स्टेट इज विच द फर्दर इक्विलिब्रियम टेक प्लेस एंड देयरफॉर देयर इज नो मोर ग्रोथ, यानी कि कैपिटल इक्विलिब्रियम एक टाइम के बाद नहीं हो पाती, सेविंग रेट नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है। सॉरी, हम इस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप रिसोर्स करते हैं, यानी कि फुल यूटिलाइज हो जाता है, फुल प्रॉफिट हो जाता है, रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम पहुंच गए हैं डिसइकोनॉमी सिचुएशन में। ठीक है, डिसइकोनॉमी में क्या होता है, कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है, तो प्रॉफिट ट्रेंड जो है कम होने लगता है, डिमांड फॉर लेबर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, वेजेस डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, पॉपुलेशन तो बढ़ती होती है, ठीक है, और जो एक जो वेज है वो एक निर्वाह लेवल पे आ जाती है, सस्टेनेंस लेवल पे आ जाती है, कैपिटल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, नो चेंज पर कैपिटल इनकम यहाँ के बाद नहीं होती है, और इकोनॉमी रीच द स्टेग्नेशन एक सिचुएशन पहुँच जाती है। तो ऐसा कहना मत, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे फ्रेंड ग्राफ की, जहाँ पर टाइप हाइएस्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसा बना सकते थे, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली स्टेशनरी स्टेट सिचुएशन होती है जहाँ पर स्टेग्नेशन सिचुएशन आती है, ठीक है, जहाँ पर एक हाई लेवल का डिमांड रहती है, सप्लाई प्राइसेस बहुत हाई हो जाता है, लेकिन मार्केट में जीडीपी हाई हो जाती है, लेकिन इसके बाद ग्रोथ नहीं होती है, स्टेट सिचुएशन ये है फ्रेंड। अब बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म की, हर थ्योरी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इसने जो एजम्पशंस लिया कि इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस नहीं किया, इन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है, जैसे उसी सोसाइटी में, जैसे कि एग्रीकल्चर है, मतलब जो जिस काम को कर सकता है उसमें स्पेशलाइजेशन की बात करता है। स्टेशनरी स्टेट जो है सिचुएशन होती है, लेकिन इसने टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस की बात नहीं किया फ्रेंड्स, सबसे बात है। फिर ये कहता है कि परफेक्ट कंडीशन जो कि इमेजिनरी सिचुएशन है, कभी होती नहीं है। कहता है कि आयरन लॉ ऑफ वेजेस ये बेस्ड है, यानी कि बेस जो है लॉ डिमांड पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। अगर मार्केट में सप्लाई लेबर की बढ़ जाएगी तो वेज रेट कम हो जाएगा, लेबर की सप्लाई कम हो जाएगी, वेज रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और फैक्टर फोकस नहीं करता है। इसने डिमिनिज रिटर्न की बात किया है, स्केल पे इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने से ये हटा जा सकता है। तो कहने मतलब क्रिटिसिज्म कुछ ना कुछ पॉइंट्स है, लेकिन कहीं ना कहीं इस थ्योरी का जो मेन कंक्लूजन था वो ये था कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, और जो कि आज की गवर्नमेंट इन्हीं पार्टों पर फोकस कर रही है, स्किल इंडिया, स्पेशलाइजेशन लेबर, मेक इन इंडिया, ये सब बात कर रहे थे। तो फ्रेंड जस्ट एक समरी देना चाहता हूँ वन बाई वन।